Good evening and praise the Lord, dear brothers and sisters, and any other family, young people listening to this Bible study hour. और आज की शाम मैं आप सभी का भाई बहनों मित्रों जवानों और बच्चे जो सब इस बाइबल अध्ययन से जुड़े हैं मैं स्वागत करता हूँ। After almost a year, we restarted it last Wednesday. और लगभग एक साल के अंतराल के पश्चात हमने पिछले बुधवार को अपने बाइबल अध्ययन को शुरू किया। So we are continuing the study on the book of First Corinthians, and we started on chapter 13. और पहला कुरिन्थियों के पत्री पर हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं और उसके 13वें अध्याय के अध्ययन पर हमने शुरू किया। So last Wednesday we had the first lesson on that. और इसलिए पिछले बुधवार को पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय पर हमारी पहली शिक्षा या अध्ययन पर हमने विस्तार रूप से अध्ययन किया। And we were talking about different kinds of love that we can see in the world. और हम बात कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार के प्रेम जिसे हम संसार में देख सकते हैं। And the most important love is agape love, which is God's love. और जो सबसे बड़ी बात है वो है अगापे प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है। And we have concluded that lesson last Wednesday. और इस शिक्षा का अध्ययन हमने पिछले बुधवार को खत्म किया। So let us continue with this wonderful quality of love. और आइए हम प्रेम के सर्वोत्तम गुण पर अपने अध्ययन को जारी रखें। Today we shall consider the great importance of love. और आज की शाम हम देखेंगे कि प्रेम कितना महान है या उसका महत्व क्या है। The superior quality of life is love. It is not gifts. याद रखिए जीवन का सबसे उत्तम गुण प्रेम है ना कि वरदान। Contrast between love and gifts. और अगर हम वरदानों और प्रेम के बीच में तुलना करेंगे, there three verdicts are declared. तब तीन घोषणाओं को किया गया है। These verdicts are stressed with resounding force. The great superiority of love. और इन तीन घोषणाओं को गूंजने वाली आवाज के संग बार के समान बार बार पौलुस दोहराता है। Verdict number one. पहला घोषणा। Tongues without love are meaningless. अन्य भाषा में बात करना बिना प्रेम के अर्थहीन है। So our text today is chapter 13 verses 1-3. और इसलिए इसके लिए जो हमारा वचन है वो है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय पहला वचन से लेकर तीसरे वचन तक। So listen to the scripture passage as Pastor Mahendra read it. आइए हम इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने जैसे मैं वचन के इस भाग को आपके लिए पढ़ता हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। Now, as I said, tongues without love is meaningless. और जैसा मैंने कहा कि अन्य भाषा में बात करना बिना प्रेम के अर्थहीन है। Tongues of men. और जो मनुष्य की भाषाएं हैं, probably means all the languages of men. जिसका मतलब है मानव जाति में पाए जाने वाली सारी भाषाएं। Like we see it in the book of Acts chapter 2. जिसे हम प्रेतों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं। The day of Pentecost. जहां पेंटिकोस्ट का दिन के विषय में हम पढ़ते हैं। The Holy Spirit came upon the disciples. कि पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतर आया। Among the crowd. और इस भीड़ के बीच में। There were at least 16 different languages of the world. और लगभग 16 अलग-अलग प्रकार की भाषाएं जो उस समय विश्व में जानी जाती थी वहां मौजूद थी। And the same way, और इसी तरीके से tongues of men also means or also could mean
heavenly language or the spiritual gift of an ecstatic utterance given by the Holy Spirit. और इसलिए अन्य भाषा का मतलब ये भी हो सकता है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई एक नई भाषा या एक नई बोली जिसे सिर्फ परमेश्वर के सामने आप बोलते या समझते हैं. Now, resounding gong or a clanging cymbal. और ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ. Do not mean the sound of a musical instrument. इनका मतलब ये नहीं है कि ये किसी संगीतिक यंत्र की आवाज को निकालते हैं. Or the clashing and banging together of large cymbals by untrained persons. या वो दो यंत्रों को आपस में टकराकर जब दो संगीतकार जिनको प्रशिक्षण नहीं मिला है अप्रशिक्षित लोग टकराते हैं. A person can possess gift of speech in various languages. और एक व्यक्ति के पास अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान हो सकता है. But it does not have love. He become only a clanging and tinkling noise. लेकिन अगर उसके पास प्रेम ना हो तो एक झनझनाती हुई आवाज और ठनठनाती हुई आवाज बन जाएगा. In other words, दूसरे शब्दों में, his speech is meaningless. उसका बातचीत करना अर्थहीन हो जाएगा. Now I want you to note the phrase I am only. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखिए जहां पर लिखा है सिर्फ मैं. This is a very vital point. और ये इस बात को समझने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है. The gifted person's speech is not only meaningless. कि ना केवल उस वरदान पाए हुए व्यक्ति का वो बोलना अर्थहीन है. The person himself become a meaningless person. लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में एक अर्थ रहित व्यक्ति बन जाता है. That is the point here. और यही बात है यहाँ पर. I'm just trying to describe the usage of different words, different phrases. और मैं यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार का वचन का प्रयोग किया गया है उसे आपके सम्मुख रखता हूँ. He becomes useless in his life. और वो अपने जीवन में अर्थहीन या उपयोगता किसी उपयोग के समान नहीं रहता. Not only in his life, but in his ministry for Christ. ना केवल अपने जीवन में लेकिन प्रभु यीशु मसीह की अपनी सेवा में भी. Love is far more superior than the gift of tongues. और याद रखिए प्रेम अन्य भाषा के वरदान से कहीं बढ़कर एक तोहफा है. That is verdict number one. और ये है वो पहली घोषणा. That's what we read. और इसी वचन के भाग को हमने पढ़ा. Verdict number two. और जो दूसरी घोषणा है. Gifts without love are nothing. अगर तोहफे दिए जाएं बिना प्रेम के वो भी अर्थहीन है. Three particular gifts are contrasted with love. और तीन प्रकार के वरदानों की तुलना प्रेम के साथ की गई है. The first of these is the gift of prophecy. और इसमें से पहला है भविष्यवाणी का वरदान. Let us look into a passage in 1 Corinthians chapter 12. और पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में हम एक वचन के भाग को देखेंगे. This is the book that we are studying. और इसी पत्री को या इसी पुस्तक के अध्ययन पर हम हैं. Verses 8 to 10. और 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें. किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को एक उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. Okay, what is the apostle Paul saying here? और यहाँ पर पौलुस प्रेरित क्या कहता है? A person may have a gift of speaking. और हो सकता है कि व्यक्ति के पास वार्तालाप या बातचीत करने का एक तोहफा हो. Speaking under the inspiration of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर उसके उस प्रेरणा में बात करना. Now, both predicting the future
एंड प्रोक्लेमिंग द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। और इसमें दोनों बातें हैं, जहां भविष्यवाणियों को देखना और उस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के वचन की घोषणा करना। He may possess all the charisma. और हो सकता है उसके पास वो पूरा करिश्मा मौजूद है। He has the stature, eloquence and descriptive language. और हो सकता है उस व्यक्ति के पास वैसा डील डॉल, वैसी भाषा शैली और वैसे शब्दों वाली शब्दावली उसके पास मौजूद है। And not just one or two languages. और ना केवल एक या दो भाषाएं। Several or many languages in the world. लेकिन कई सारी भाषाएं जो विश्व में पाई जाती हैं। But with all these abilities, लेकिन इन सारी योग्यताओं के साथ, if he does not possess love, अगर उस व्यक्ति के पास प्रेम नहीं है, then Paul says he is nothing. तब पॉल कहता है वो व्यक्ति कुछ नहीं है। Not only his prophecy or his explaining the truth of God's word. Amount to nothing. ना केवल उस व्यक्ति की भविष्यवाणी और परमेश्वर के वचन के ज्ञान को परमेश्वर की भविष्यवाणी में दर्शाना कुछ भी नहीं है। But he himself is nothing. लेकिन वो अपने आप में भी कुछ भी नहीं है। Now I want you to take note of this aspect. मैं चाहता हूँ कि इस बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। You may be proclaiming some great truth. हो सकता है आप एक बड़े सत्य की घोषणा को कर रहे हैं। And if you don't possess love, लेकिन अगर आपके पास प्रेम ना हो, not only what you are saying will become useless and nothing. That you yourself will become. ना केवल आपका बोलना अर्थहीन हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप में अर्थहीन हो जाएंगे। And so, we have here an explanation of the Apostle Paul what these words or expressions mean. और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित के एक वर्णन को हम पाते हैं कि क्या इन शब्दों का या इस वचन का मतलब है। Now, what is the danger here? और यहाँ पर खतरा क्या है? Hello, without love, you may explain or preach or speak anything. But if you are nothing and what you are saying also will amount to nothing. और लेकिन याद रखिए, बिना प्रेम के आप प्रचार कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं, अन्य अन्य बातों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रेम नहीं तो वो सारी बातें व्यर्थ है और आप अपने आप में व्यर्थ हैं। There is the danger. और यही खतरा है। There is always a danger of feeling and acting superior because of one's prophetic gift and eloquence. और एक के पास हमेशा ये थोड़ा सा गर्व रहता है जब उसके पास एक बोलने की अच्छी क्षमता या कोई वरदान मौजूद हो। He may even have a desire to see souls coming to the Lord Jesus Christ. हो सकता है उस व्यक्ति के पास वो इच्छा भी हो कि वो सारी आत्माओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर आता हुआ देखना चाहता है। And so he will preach the glories of heaven and tragedies of hell. और इसलिए वो स्वर्ग की महिमा और नर्क की जो भविष्यवाणियां हैं और नर्क में जो भयानक बातें हैं उनके विषय में प्रचार करता है। He can preach all this with an attitude and a tone that one is better than the others. और वो इस तरीके से इन बातों का प्रचार कर सकता है, इस तरीके से ये दिखाते हुए कि स्वभाव के साथ कि एक दूसरे से बढ़कर के। And especially those who have the gift of prophecy. और खास रीति से वे जिनके पास भविष्यवाणियों का वरदान है। He goes around with an air about himself. वो अपने आप में एक हवा में चलता है। I am certainly greater than others. कि मैं सच में दूसरों से बढ़कर के हूँ। So many are coming. और इसलिए कई सारे आते हैं। Just to listen to me. कि मुझसे सुने। And that is the danger. और यही खतरा है। An attitude that lacks love. और एक ऐसा स्वभाव जिसमें प्रेम ना हो। Secondly, the second danger is. और जो दूसरा खतरा है। There is the gift of understanding all mysteries and all knowledge. और एक ऐसा वरदान भी है जहां आप सारे रहस्यों और सारी जानकारी को समझ और जान सकते हैं। I am sorry, that is not a danger. और ये कोई खतरा नहीं है। And it means the sum total of that God has ever revealed. And a man has ever learned or ever discovered and developed. इसका मतलब ये है कि वो सारी बातें जो परमेश्वर ने प्रकट करी
या मनुष्य ने कभी उसे खोज पाया या देखा या जाना या समझा। That is all mysteries और यही and all है knowledge. सारा रहस्य और सारा ज्ञान। So one can possess all these mysteries and all knowledge. और हो सकता है एक के पास ये सारे रहस्य ये सारे ज्ञान मौजूद हैं। And that all knowledge includes everything, the sum total of all that God has ever revealed. और वो सारे ज्ञान का मतलब वही है कि वो सारी बातें जो परमेश्वर ने प्रकट करी हैं। Imagine. याद रखिए। A person possessing all the knowledge in the world. सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विश्व का सारा ज्ञान मौजूद है। Yet Paul says. लेकिन फिर भी पौलुस कहता है। If he does not possess love. अगर उसके पास प्रेम ना हो। He is nothing. तब वो कुछ भी नहीं है। And not only all his understanding and knowledge be nothing. और ना केवल उसकी सारी समझ और सारा ज्ञान कुछ भी नहीं। But he himself will be nothing. लेकिन वो अपने आप में भी कुछ नहीं होगा। Now what is the danger here? और यहाँ पर खतरा क्या है? The danger is it is looking down on others. और इसमें खतरा ये है कि हम दूसरों को नीचा आंकते हैं। A sense of detachment or aloofness. और एक ऐसा भावना जहाँ पर हम खुद को अलग करते हैं। Often characterizes such a person. और कई बार एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है। And that is the danger. और यही खतरा है। So one has to be very, very careful. और इसलिए एक को बड़ा सावधानी रखनी है। And the thing that we need to understand. और एक बात जो हम सबको समझनी है। All these are wonderful things. ये सारी बातें बड़ी अद्भुत हैं। But none of these things will be anything at all. If there is no love. ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें से कोई भी महत्व नहीं रखेगा अगर प्रेम ना मौजूद हो। And that is why this chapter 13 is set between chapter 12 and 14. और इसीलिए पौलुस प्रेरित इस 13वें अध्याय को 12वें और 14वें के बीच में रखता है। The thirdly, then there is the gift of faith. और एक तीसरा घोषणा है, वो है विश्वास का वरदान। And that is the very special gift of faith. और इसका मतलब है, वो है खास एक वरदान विश्वास के तौर पर। And this special gift of faith is given to a person by the Holy Spirit Himself. और ये खास विश्वास का जो वरदान है, वो पवित्र आत्मा खुद एक व्यक्ति को देता है। And this faith can remove mountains. और ये विश्वास पहाड़ों तक को गिरा सकता है। And to do great and miraculous things for God. और महान और चमत्कारी और आश्चर्यकर्म को परमेश्वर के लिए करता है। I want to mention one person's name as an example. और मैं एक व्यक्ति के नाम को उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। At least some of you may have heard about the great man of faith who lived in England. और आप में से कुछ ने तो जरूर सुना होगा एक महान विश्वास रखने वाले व्यक्ति के विषय में जो इंग्लैंड में रहते थे। His name was George Mueller. और उसका नाम था जॉर्ज म्यूलर। He decided from his life of faith from the beginning that he would never ask anything from anybody. और उसने बड़ी छोटी उम्र से इस बात का निश्चय अपने जीवन में ले लिया था कि वो किसी से भी कभी कुछ मांगेगा नहीं। Not छोटी उम्र से, when he came into the faith. और जब वो विश्वास में आया, तब से उसने ये निर्णय लिया था वो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। And he had never asked throughout his life and ministry anything to anyone. और उसने उन्होंने अपने जीवन और सेवाओं के पूरे जीवन में कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं। And yet he fed 2,000 or 3,000 orphans every day, giving their food, clothes, everything, without asking a single penny from anybody. लेकिन फिर भी उन्होंने 2,000 या 3,000 अनाथों को प्रतिदिन खाना खिलाया, कपड़े दिए, एक भी आना किसी से बिना मांगे हुए। If some of you can get hold of a book about George Mueller,
do that and read. और अगर आप उनके विषय में किताब लिखी गई है और आप में से अगर वो कुछ जानना चाहते हैं तो उस किताब को लीजिए और पढ़िए. Some of the ways God provided. और किस तरीके से परमेश्वर ने उनके लिए मुहैया कराया. At the nick of time. और एकदम उस क्षण में परमेश्वर ने. No food at all at the orphanage. और कुछ भी अनाथालय में खाना नहीं था. Nothing. कुछ भी नहीं. And the children were hungry. और वो बच्चे भूखे थे. And but they all knew. लेकिन वो सब जानते थे. That the master who is in charge of this somehow will find food at the last moment. कि वो स्वामी जो इन सारी बातों को देखता है और संभालता है वो कैसी ना किसी तरीके से अंत में हमारे लिए खाना लाएगा. It is amazing story. और ये एक अद्भुत कहानी है. How God miraculously, sometimes super, super miraculously, how He provided the needs of His ministry. और ये तो बड़ा ही अद्भुत था कि कैसे परमेश्वर ने बड़े ही चमत्कारी और आश्चर्यकर्म ढंग से उनकी सेवा की जरूरतों को पूरा किया. That is a faith that we are talking right. और ऐसे ही एक ऐसे आश्चर्यकर्मी विश्वास के विषय में हम बात कर रहे हैं. The mountain removing faith. और पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास. And miraculous things accomplished by merely depending on God. और अद्भुत बातों को करना सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के द्वारा. Faith. ऐसा विश्वास. Notice the word all. और वहां पर उस शब्द को देखिए सारा. All. सारा. इमेजिन अ पर्सन पोसेसिंग ऑल फेथ. और एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचिए जो पूरा विश्वास रखता हो. येट इफ ही डिड नॉट पोसेस लव. लेकिन फिर भी अगर उसके पास प्रेम ना हो. ही वुड बी नथिंग. तब वो कुछ नहीं होगा. A person may possess such faith. और एक व्यक्ति के पास एक ऐसा विश्वास हो सकता है. All faith. और पूरा विश्वास. And imagine a person possessing all faith. और एक ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचिए जिसके पास पूरा विश्वास है. Yet if he did not possess love. लेकिन फिर भी अगर उसके पास प्रेम ना हो. He would be nothing. तब वो कुछ नहीं होगा. And what is the danger? और खतरा क्या है? The danger is. और खतरा ये है. An overflowing sense of importance. और एक ऐसा खतरा कि अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की भावना. Oh, look at my faith. अरे मेरे विश्वास की ओर देखो. And by faith I can do anything. और विश्वास के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ. And he feels himself very important. और वो अपने विषय में खुद को बड़ा महत्वपूर्ण जानता है. So he walks around with the air of pride. और इसलिए वो भी बड़ा हवा में चलने वाला व्यक्ति बन जाता है. That is the danger. और यही खतरा है. One may possess all faith. और हर एक के पास पूरा विश्वास हो सकता है. And the third verdict is. और जो तीसरा घोषणा है. Giving without love profits nothing. बिना प्रेम के देने में कोई लाभ नहीं है. And here two great illustrations are given. और यहाँ पर दो बड़े उदाहरणों को पौलुस देता है. Can you read that portion? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं. Yes. और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं. The first illustration is selling and giving everything that a person has imagined. और एक giving everything. पहला उदाहरण पौलुस ये देता है कि एक व्यक्ति जो अपनी सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे. That a person has. जो उस व्यक्ति के पास है. And can you imagine such a person giving away everything he has? Okay, ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचिए जो अपना सब कुछ कंगालों को दे दे. Giving all I possess to the poor. वो सब कुछ जो मेरे पास है मैं गरीबों को दे दूं. Yet if I possess not love. लेकिन यदि फिर भी मेरे पास प्रेम ना हो. It profits me nothing. उसका कोई लाभ नहीं. In the matter of giving.
और देने के विषय में देयर आर सेवरल डेंजर्स, कई सारे खतरे हैं। नंबर वन, पहला खतरा, गिविंग आउट ऑफ ड्यूटी, और एक जिम्मेदारी समझकर हम देते हैं। नॉट बिकॉज यू एंजॉय गिविंग, ना केवल ये इसलिए नहीं देते कि हमें आनंद आता है। नॉट बिकॉज यू वांट टू गिव, और इसलिए नहीं देते कि हम देना चाहते हैं। बट इट इज आउट ऑफ ड्यूटी दैट, लेकिन आप एक जिम्मेदारी, एक बोझ समझकर उसे देते हैं। व्हेन यू डू एनीथिंग विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, और जब आप कोई भी बात एक जिम्मेदारी समझ के करते हैं, यू डोंट एंजॉय एनी प्रेशर, तब आप किसी भी बात का आनंद नहीं ले सकते। एंड द सेकंड इज, दूसरी बात, गिविंग आउट ऑफ कंटेंप्ट because one is forced to give, और दोष दे की भावना के साथ देना, क्योंकि एक के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वो दे। And so you don't want to give, आप देना नहीं चाहते, but you are forced to give, लेकिन आपके ऊपर दबाव बन जाता है कि आप दे। And you grudgingly therefore, और इसलिए आप कुड़कुड़ा कर देते हैं। And the third thing about जो तीसरा giving, खतरा है, giving with an air of superiority, कि ऐसे देना कि मानो मैं ही सबसे अच्छा देता हूँ और उस हवा में चलना। What is the superiority? और वो उच्च किस, वो उच्चता क्या है या उत्तमता क्या है? Because one has, क्योंकि एक के पास है, and the needy do not have, और जो उसको आवश्यकता है उसके पास नहीं है। So in the presence of the needy, और इसलिए उस जरूरतमंद की उपस्थिति में, you feel yourself superior to the other one. तो आप दूसरों से ज्यादा खुद को अच्छा मानते हैं या ऊंचा आंकते हैं। And fourthly, और चौथी बात, giving with the rebuke because one feels the needy are just irresponsible. और एक डांट के साथ, एक फटकार के संग देना, ये देखते हुए, ये बोलते हुए कि जो आवश्यकता है या जिनको जरूरत, जो जरूरतमंद हैं, वो लापरवाह हैं। And the giver also feel, और जो देने वाला व्यक्ति है, such people ought to make their own way in life. उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को अपने जीवन का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। See, with that kind of attitude, और इस प्रकार के स्वभाव के साथ, when you give, जब आप देते हैं, you sort of use words to rebuke them, तब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उन्हें डांटें। Now you better work hard, लेकिन इससे आप ऐसे शब्द बोलेंगे कि अरे तुम मेहनत करो, and you got to make your own way, और आपको अपना तरीका या अपना मार्ग निकालना है। You know, you are looking healthy, और तुम स्वस्थ दिखते हो। And it is not that you cannot do anything. और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ you know, काम all नहीं कर these words are used. और इस प्रकार के सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। And this, you know, he feels very important. और इसके द्वारा वो देने वाला व्यक्ति खुद को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है। And fifthly, और पांचवी बात, giving unsacrificially. और आप बलिदानी रूप से देना। And that is, you know, when you give out of your abundance, जब आप अपनी बहुतायत से देते हैं, there is no special quality about that giving. तब उस देने में कोई खास गुण नहीं है। You have plenty. क्योंकि आपके पास बहुत है। And so you give out. In fact, you give nothing out of the abundance you have. लेकिन जो आपको बहुतायत से परमेश्वर ने दिया, उसमें से कुछ भी आप परमेश्वर को नहीं देते, अगर सच में देखा जाए। And then secondly illustration is, जो दूसरा उदाहरण पौलुस देता है, there is the illustration of martyrdom. वहाँ पर एक जो उदाहरण वो देता है, वो है शहीदी का। The most terrible martyrdom of all is being burned alive at the stake. और सबसे भयानक अगर शहीद होने की कोई परिस्थिति हो, वो ये है कि आपको जीवित जला दिया जाए। And Paul says, और पौलुस कहता है, if such a person does not have love, अगर ऐसे व्यक्ति के पास भी जो जीवित जला दिया गया हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके शहीद के रूप में, is martyrdom profits him nothing. तो ऐसा व्यक्ति के पास भी अगर प्रेम ना हो, तो उसका शहीद होना कोई किसी अर्थ He का नहीं। dies in vain. उसका मरना अर्थहीन है।
So what is the conclusion? और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? The conclusion is when you give. इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप देते हैं. Make sure that you give probably sometime out of nothing you. और जब आप देते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करिए कि कई बार होगा आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप देते हैं. And Jesus given us an illustration. और यीशु ने भी हमें एक उदाहरण दिया है. There was a real thing that he noticed. और एक सच वास्तविक बात थी जो उसने देखी. He was standing near the offering box. और वो दान पेटी के या दान पात्र के नजदीक खड़ा था. In the synagogue. और उस आराधनालय में. And he noticed people coming and putting offering. उसने देखा किस प्रकार से अलग अलग लोग आकर अपनी भेंटों को उस दान पात्र में डाल रहे थे। And Sadducees, they come. और जब फरीसी और सदूकी वहां पहुंचे, and for everybody to see, they hold higher and then drop. और कि ताकि सब उनकी भेंट को देखने पाए, वो अपनी भेंट को दिखाते हुए दान पात्र में डालते थे। And then he was watching all that. और वो इन सारी बातों को देखता था। Then last of all, a very poor widow came. और अंत में एक बहुत गरीब विधवा वहां पहुंची. And she didn't have anything to give. और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था. All she had was two coins of the least amount. और उसके पास जो था वो दो सिक्के थे जो सबसे कम महत्व रखते थे या दाम रखते थे. And she put that. और उसने वो डाल दिए. It was nothing. वो कुछ नहीं था. And Jesus immediately made this remark. और यीशु ने तुरंत ही इस बात को कहा. Truly I say to you. और सच में मैं तुमसे कहता हूँ. That this widow has given much more than any others who put offering in. कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है किसी और से बढ़कर जिसने इस भेंट Because पात्र में डाला. All others have given out of the abundance. क्योंकि सब दूसरों ने अपनी बहुतायत में से दिया. But she gave out of nothing. लेकिन उसने अपने गरीबी में से दिया. And why, even though she didn't have for herself, और उसके पास तो अपने लिए भी नहीं था. Whatever she possessed, she put it. लेकिन जो कुछ उसके पास था, उसने डाल दिया. Why? क्यों? Out of love. प्रेम के कारण. And others? और जो दूसरे हैं? Out of their abundance. अपने बहुतायत के द्वारा. Their giving is nothing. उनका देना कुछ नहीं. Because they did not give. From love. क्योंकि उन्होंने प्रेम से नहीं दिया. And my friends, और मेरे मित्रों, this is true of not only giving anything in cash or in kind. और ये ना केवल आप जब पैसा देते हैं उसके विषय में सत्य नहीं है. But in doing anything, लेकिन ये किसी भी काम को जब हम करते हैं. We must learn to do anything we want to do for God out of और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं वो सिद्ध और शुद्ध प्रेम से करने पाए. For nothing else. और किसी चीज के द्वारा नहीं. And so when you do it from love, जब आप प्रेम के द्वारा ऐसा करते हैं, not only you enjoy and you are satisfied, और ना केवल आप इस बात का आनंद उठाते हैं, others are blessed by your giving and लेकिन दूसरे भी आपके देने के द्वारा आशीषित होते हैं. So that's what you want. और इसीलिए आप ऐसा यही you आप चाहते हैं. God to be happy. आप चाहते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होने पाए. God want to be satisfied. और परमेश्वर तृप्त होने पाए. And my friends, और मेरे मित्रों, let us learn these lessons. आइए इन शिक्षाओं को हम सीख लें. And the Bible here says. और जो वचन है वो यहाँ पर ये बताता है. Through the illustration of martyrdom. और इस शहीदी के उदाहरण के द्वारा. Such a person does not have love, his martyrdom. Profits him nothing. और ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रेम ना हो उसका शहीद होना भी व्यर्थ है. He dies in vain. उसका मरना व्यर्थ में है. There is always the danger of counting martyrdom of all of being burned alive at stake. और यहाँ हमेशा एक खतरा है कि किसी की भी शहीदी को जो प्रभु यीशु मसीह के कारण जलाया जाता है. And you count that
a thing of glory and of pride. और उस बात को आप एक गर्व करने वाली बात या महिमामय बात मानते हैं? As something to show one's commitment to a cause. ये दिखाना कि एक का जो समर्पण है किसी कारण के लिए. That is the danger. और यही खतरा है. And if a believer is ever be called to martyrdom, और अगर मान लीजिए एक विश्वासी को कभी भी शहीद होने के लिए बुलाया जाए, he is to die only out of love for Christ and for his fellow man. तब उसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अपने प्रेम के खातिर या अपने भाई या बहन के प्रेम के खातिर अपने प्राणों को त्यागना चाहिए. And the reason of willing to die should not be anything else. और उसके मरने का कारण कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए. You love Jesus. आप यीशु से प्रेम रखते हैं. And it is your, you consider it is your privilege to die for my Lord. और आप इस बात को अपना सौभाग्य मानते हैं कि आप इस प्रेम के खातिर शहीद हुए. And your death may help even others. और आपका मृत्यु हो सकता है कई और की सहायता करे. That get rid of the fear of death. कि आप मृत्यु के भय से बाहर निकल आएं. You want to live and serve the Lord. और आप जीना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं. But if God sees that my labor here on earth is over. लेकिन जब परमेश्वर इस बात को देखता है कि आपका परिश्रम और काम इस पृथ्वी पर समाप्त हो गया है. Because of persecution, my time of death has come. और सताव के कारण मेरे मृत्यु का समय आ चुका है. Because of your love. आपके प्रेम के खातिर you commit yourself into God's hand. आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं. Let love be the motive. होने दे प्रेम आपका लक्ष्य होने पाए. My friends, मेरे मित्रों, this chapter is teaching us so many things. ये अध्याय हमें कई सारी बातों को सिखाता है. We will continue this. हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. Meanwhile, और तब तक meditate on what you have learned today. आज की शाम जो आपने सीखा इस पर मनन करें. Many thing we do, कई सारी बातें हम जो करते हैं, must be out of love. वो सारी बातें परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण. Let God's love become the motivating factor. होने दे परमेश्वर का प्रेम हमें प्रोत्साहित करने वाला कारण बन जाए. Not self promotion. ना ही अपना आपको आगे बढ़ाना. Nothing else. कुछ और बात नहीं. But because of our love. लेकिन हमारा प्रेम जो परमेश्वर के खातिर है. We in India, persecution is increasing. और भारत में सताव बढ़ता जा रहा है. And it is possible that some of us may have to give our life. और ये संभव है कि हम में से कई वो अपने जीवन को देना पड़े. Let it be because of our love for Jesus. होने दे ऐसा हो प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम के खातिर. And may the Lord bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. And I am sure this study is going to help you to understand the expressions used in this chapter regarding this the love. मेरा पूरा विश्वास है कि अध्ययन आपका सहायता करेगा कि आप प्रेम के प्रति जो भी धारण यहाँ पॉलिश बताता है उसे समझने और अपने जीवनों में लागू करने. And so here the today's lesson's title is the great importance of love. और एक बार फिर से मैं बता दूं आज की शिक्षा का जो अध्ययन था वो था प्रेम का महान महत्व. The most excellent quality of life is love. याद रखिए जीवन का सबसे उत्तम गुण है प्रेम. It is not gift. याद रखिए कोई वरदान या तोहफा नहीं. So that is the lesson. और यही शिक्षा है. And we'll continue this. हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. Tune in next Wednesday. अगले बुधवार को हमसे जुड़िए. I don't know how long I will continue online. और मुझे ये नहीं पता कितने समय तक हम ऑनलाइन माध्यम से इसको जारी रखेंगे. Because so one day we must come together Wednesdays to study God's word. क्योंकि एक दिन बुधवार को हमें एक साथ आना है शारीरिक रूप से परमेश्वर के वचन को सीखने. Let us be prepared for that. आइए खुद को उसके लिए तैयार करें. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष. Amen. Amen.